एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो वीडियो है गाइस, वो मैं प्ले ग्रुप की बुक सेट जो मैंने न्यू बनाया है, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। वैसे मैं प्ले ग्रुप का जो सेट्स हैं आप लोगों के साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये जो बुक्स आप देख रहे हैं ये मेरी हैंडमेड है। वैसे मैं प्ले ग्रुप पे सेट्स पहले भी ला चुकी हूँ, बट मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है बुक्स में। थोड़ा क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स है वो थोड़ी सी और बढ़ाई है, और मेन चेंजेस आपको दिखेंगे प्ले ग्रुप की जो बुक्स हैं आपकी इंग्लिश की, और उसमें पैटर्न को शीट ऐड करी है, और नंबर बुक में। ये दो बुक में आपको ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। बाकी आपने अगर मेरी पहली वाली वीडियो देखी है प्ले ग्रुप की तो वो भी जो है उसका थोड़ा चेंज वर्जन है, ये थोड़ा मैंने चेंज किया है बुक्स को। तो बात करते हैं सबसे पहले जो बुक हैं, जो थ्री बुक्स हैं उसमें से सबसे पहले वाली बुक की बात करते हैं। और इस बुक में आप देखेंगे कि इंडेक्स पे हम थोड़ा सा गौर देते हैं, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि जो है आपको इंडेक्स दिखाई दे। तो ये देखिए, इंडेक्स में आपकी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, अल्फ़ाबेट जो इसकी हेल्प से बनेंगे, LTIHFE, और इनको कैसे पढ़ाना है इस पर मैं ऑनलाइन टीचिंग सीरीज ला रही हूँ, वो इन्हीं बुक्स को ध्यान में रखते हुए है। तो अगर आप जो लेना चाहते हैं ये बुक्स, वो काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, बट ड्यू टू लॉकडाउन हमारे यहाँ प्रिंटिंग शॉप ऑफ थी, तो जो मैंने है खुलते ही जो इसका सैम्पल बनाया और आप लोगों के साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। देन LTIHF जो लेटर्स हमने सीखेंगे उस पर पूरा डिटेल वाइज है, प्रैक्टिस शीट्स हैं। देन स्लेंटिंग लाइन जो उसकी हेल्प से कौन से बनेंगे, देन लाइन्स एंड कर्व्स से, और कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं, एक सेकेंड मैं ऐसे करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए CDJ जो रेस्ट ऑफ लेटर है, देन प्रैक्टिस शीट। तो मैं आपको सारी जूम करके दिखाती हूँ, सारी इस तरीके से ही पूरा इंडेक्स है। 34 जो है टॉपिक्स आपको दिखेंगे। देन ये देखिए, पहले स्टैंडिंग लाइन को सिखाने के लिए, एक सेकेंड, स्टैंडिंग लाइन को सिखाने के लिए तो इस तरीके से ये फ्रॉग है, इसमें बच्चा कलर करेगा देन ट्रेस करेगा। देन ये हमारा है काइट्स के ऊपर बच्चा कलर करेगा। देन स्टैंडिंग लाइन को सिखाने के अलग अलग तरीके हैं। देन क्लाउड के वेज में रेन हो रही है, देन स्लाइडिंग जो स्टैंडिंग लाइन बच्चा सीखेगा। देन ये ट्रेसिंग शीट्स है, इसके ऊपर बच्चा ट्रेस करेगा और लिखेगा। देन ये खूब सारी जो प्री राइटिंग स्किल्स के लिए मैंने डेवलप के लिए काफ़ी जो है शीट्स बनाई है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये शीट्स आप देखेंगे, और मैंने खूब प्रैक्टिस कराई है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन बच्चा अच्छे से सीख ले। देन हम बात करेंगे इस तरीके की लाइंस के ऊपर, जैसे सेम पिक्चर है, बच्चा इस पर कलर भी करेगा, देन जो है स्लीपिंग लाइन। अब स्टैंडिंग और स्लीपिंग पहले इंट्रोड्यूस कराई जाती है, और मैंने इनफ शीट दी है, और अगर कुछ लाइन पे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैंने पीछे देखो इस तरीके से बिग बॉक्सेस दिए हैं। इस तरह के बॉक्सेस जो हैं वो अप्रोप्रिएट होते हैं जो प्ले ग्रुप की क्लासेस होती हैं। कोई बच्चा जो है अपनी फाइन राइटिंग नहीं लिख पाता, थोड़ा बिग लिखता है, तो इस तरह के बॉक्सेस आपको सभी जो में मिलेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट्स नंबर हम सिखाएंगे। देन हम बात करते हैं इस तरीके से, देन स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन आ जाएगी इसमें हेल्प से, LTIHFE, और ये लेटर मैं सिखा भी चुकी हूँ किस तरीके से, जैसे एल लेटर है, देन बच्चा इसमें कलर करेगा, और इसमें बच्चे को जितने डॉट्स बच्चा इनफ है, अगर ट्रेसिंग चाहता है तो ट्रेसिंग कराइए, वरना दो डॉट या तीन डॉट पे आप कैसे सिखाएंगे, वैसे मैंने ऑनलाइन टीचिंग सीरीज में आपको बताया ही है। तो ये बुक का ओवरलुक है LTI, तो इस तरीके से जो है बच्चा स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। और ये पिक्चर्स कलरिंग बुक है, और लॉट्स ऑफ इसमें प्रैक्टिस है। देन स्लैंटिंग लाइन आ गई, स्लैंटिंग लाइन की में किस तरीके से बच्चा जो है स्लैंटिंग लाइन सीखेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट वे है। इस तरीके से पिक्चर है, इस पिक्चर पे बच्चा कलर करेगा, और ये देखिए आप जो है इसमें स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लेंटिंग दोनों ही लाइन आ रही है। तो खूब प्रैक्टिस के लिए मैंने शीट बनाई है। देन वी लेटर है जो स्लेंटिंग लाइन से आता है, और इस तरीके से हमें सिखानी है। और इसके बाद जो है कर्व आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स को बच्चों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि बच्चा हर, जैसे ये नंबर अब पैटर्न बच्चा सीखेगा तो इस तरीके से बच्चा थ्री बनाना सीख जाएगा, और कोई भी अल्फाबेट उसके लिए मुश्किल नहीं होगा जब स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग लाइन सीख लेते हैं। देन कर्व लास्ट में आता है, तो इस तरीके से कर्व के डिफरेंट डिफरेंट ट्रेसिंग शीट्स हैं, ताकि बच्चा खूब प्रैक्टिस करे। ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर शीट्स हैं, देन ये
तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स है ताकि बच्चों के अच्छे पॉस्चर्स बने पेंसिल को पकड़ने के। देन राइट अल्फ़ाबेट्स विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कर्व्स। तो कौन कौन से रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स रह जाएंगे जो हमने स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लैंटिंग से बना लिए हैं, उसके बाद जो बचते हैं रेस्ट ऑफ द जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम कर्व में लेते हैं। लाइक सी है, ये कर्व है, डी है, ये भी कर्व है। ये बच्चे ने जब स्टैंडिंग लाइन सीख ली तो बच्चा इस तरीके से कर्व भी बना लेगा। तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने बुक्स बनाई हैं ताकि अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो, पिक्चर्स को अच्छे से दिखाया गया है ताकि बच्चे को फाइन कलरिंग हो। क्योंकि छोटा बच्चा होता है, ज़्यादा पिक्चर्स देंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाता है। अभी जस्ट उसे इंट्रोड्यूस कराना है क्योंकि 2-3 एज के लिए अप्रोप्रिएट है, या फिर एज अगर 3+ भी है लेकिन अगर इनिशियल बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है तो इस तरीके से आप ये स्टार्टअप कर सकते हैं बच्चों के लिए। और बहुत ही अच्छी बुक है और बच्चों की जो कैपेबिलिटी के हिसाब से बुक बनाई गई है। ऐसा नहीं ए बनाया पहले फिर बी, धीरे पहले स्टैंडिंग सिखाएंगे, देन स्लीपिंग सिखाएंगे, देन ये जो है ब्लैंक शीट्स हैं और फिर ट्रेसिंग अल्फ़ाबेट है। जैसे बच्चा ये पिक्चर्स पहचानेगा, एक्समस ट्री, देन एप्पल, ए को ट्रेस करेगा। आप एक सिंगल डॉट भी डाल सकते हैं या फिर लाइन डाल सकते हैं, बच्चा दोबारा इस पर बनाएगा। तो खूब प्रैक्टिस कराइए। आपके पास पिक्चर्स के थ्रू मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं दी है, शीट्स हैं आपके पास सेम मैचिंग, तो बच्चा आइसक्रीम को आइसक्रीम से मैच करेगा, देन जोकर को जोकर से, इस तरीके से सेम नंबर जो है मैचिंग है। देन इस पेज पे भी सेम मैचिंग है। एफ अल्फ़ाबेट्स पे जाना है, डी फॉर डॉग, एम फॉर मंकी, आर फॉर रैबिट, इस तरीके से ये जो है अल्फ़ाबेट मैचिंग है। देन ये थोड़ी ब्लैंक शीट्स आ गई। तो ये तो ओवरऑल बुक मैंने आपको दिखाई है पैटर्न और इंग्लिश की। पैटर्न मैंने मैथ्स में नहीं दिए हैं, मैथ्स की बुक में आपको दिखाना चाहूँगी। मैथ्स की बुक में इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि जो हमारी इंग्लिश में ऑलरेडी पैटर्न आ गए हैं तो वही पैटर्न इसमें भी होंगे। जब आप स्टैंडिंग सिखाएंगे तो नंबर वन आप जो है मैथ्स में सिखाएंगे। और इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये देखिए इसमें जो आपको कंटेंट दिख रहे होंगे, नंबर 1174 है। जैसे बच्चा स्टैंडिंग स्लीपिंग सीख लेता है, देन पेज नंबर 1 है, देन नंबर 1, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 6, 8, 9, 10, इसके बाद जो रेस्ट रह जाएंगे ये कर्व से बच्चा सीखता है थोड़ा। तो जो इस तरीके से कैसे सिखाना है मैंने काफ़ी शीट्स इसमें दी हुई हैं, बाकी मैं ऑनलाइन टीचिंग सीरीज में भी आपको बताऊंगी। तो वन नंबर है, वन को किस तरीके से करना है तो आप ये देख सकते हैं इसमें, एक सेकेंड। तो इस तरीके से जो है आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ब्लॉक्स में मैंने सभी जो बुक में बड़े रखे हैं ताकि बच्चा सीखे। वन के बाद 7 सिखाया जाता है प्ले ग्रुप में, क्योंकि इनिशियल प्री राइटिंग स्किल्स हैं, ऐसे ही डेवलप करते हैं। और काफ़ी 4-4 पेजेस दिए हैं मैंने हर किसी को सिखाने के लिए, नंबर्स को यानी अल्फ़ाबेट्स को सिखाने के लिए दोनों ही बुक्स में। 4 है, देन 4 पे काइट बच्चा पे कलर करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट दिए, हर नंबर के साथ आप ऑब्जेक्ट देखेंगे। और इस तरीके से जो है 1-10 होता है, क्योंकि नर्सरी और प्री नर्सरी चाहे जो भी क्लास कह लीजिए, जो 2-3 एज के बच्चे होते हैं, क्योंकि कई स्कूल में प्री नर्सरी है, कई नर्सरी है, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते हैं। बट इनिशियल लेवल पे जो स्टार्टिंग आप बुक्स लगाएंगे अपने स्कूल में लगा सकते हैं, और अपने अगर बेबी छोटा है उनको सिखाना है किस तरीके से तो उनको भी सिखा सकते हैं। तो ये जो है 1-10 नंबर है, और लास्ट में जब बच्चा अलग अलग सीख लेगा देन बच्चा ट्रेसिंग करेगा, लाइक सेम मैचिंग, 2 को 2 से, 4 को 4 से, 3 को 3 से, इस तरीके से हमें सिखाना है बच्चों को, ट्रेसिंग कराना है, खूब प्रैक्टिस करवाने, क्योंकि इनिशियल लेवल पे जितनी प्रैक्टिस होगी बच्चों का आगे जो क्लासेस में बेस उसी के अकॉर्डिंग बनता है। तो 9 देन 10, उसके बाद बच्चा जो इस तरीके से डॉट मैंने बनाए हैं इस पर लिखेगा, इस तरीके से ये प्रैक्टिस है। देन लॉट्स ऑफ शीट्स मैंने लास्ट में दी है, कुछ भी नंबर को प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप वो भी करवा सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी मैथ्स की बुक, नंबर बुक। देन थर्ड जो लास्ट बुक है बट नॉट द लीस्ट, तो ये बुक है प्ले ग्रुप की। और प्ले ग्रुप को आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसमें देखिए आप इंडेक्स में मैंने बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं, आई थिंक 41 पिक्चर्स हैं, ये देखिए 41 पिक्चर्स हैं। और कौन कौन सी पिक्चर्स, जैसे फ्री हैंड ड्राइंग है, 1 से 3 यानी 4 जो पेजेस रहेंगे वो 1, 2, 3 मतलब 3 पेजेस जो रहेंगे वो फ्री हैंड ड्राइंग के ही रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे एप्पल है, टोमेटो है, पोटैटो, मैंगो, फिश, डक, ये मैंने जो कंटेंट रखे हैं। पर पिक्चर्स आप देखेंगे छोटे बच्चों में मैंने काफ़ी छोटी नहीं रखी है, जैसे ये फ्री हैंड ड्राइंग बच्चा करेगा, देन ये देखिए पिक्चर, ऐसे साइज आपको पिक्चर का मिलेगा ताकि बच्चा बाहर भी निकालता है इस एज में तो
छोटी छोटी पिक्चर्स होंगी तो बच्चा कलर नहीं कर पाता है, तो ये मेरी खुद से ही करी गई है क्रिएट, ताकि जो बिग बिग पिक्चर्स बच्चों को मिले, सर के से टोमेटो है, देन पोटैटो है, मैंगो है, तो जो भी पिक्चर्स होंगी इस तरीके से बच्चा ऐसे रख के, जो बिग होगी वो मैंने ऐसे कर्सिव में करे, मतलब थोड़ा सा पोस्चर चेंज किया है। देन ये हमारे डॉल्फिन है, फिश है, और ये डक है, तो इस तरीके से आपको बिग बिग पिक्चर्स ऑफ कलरिंग की मिलेगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स हैं हमारी ड्राइंग की, 41 टॉपिक्स हैं, जैसे सर्कल है, सर्कल को बच्चा इस तरीके से पहले मिलाएगा, देन डॉट डॉट पे करेगा, आप कलर भी करवाएं इसके ऊपर, कलरिंग बुक है ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से जो है ये कैमल है और ये एलिफेंट है, तो बहुत सारी क्लाउड देखिए कितना बड़ा दिया है, ताकि बच्चों को इजीली लीफ के साइज देखिए। ऐसी बुक्स आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सर्च करी थी, क्योंकि ड्राइंग की बुक मेरे को लग रहा था बाहर से चलो ले लेते हैं, हम खुद से क्रिएट कर लेते हैं कुछ बुक्स को, बट नहीं मिली इतनी बिग बिग पिक्चर की, कोई बच्चा छोटे लेते थे तो कलरिंग बाहर कर देते थे। तो ये बुक्स हैं, अगर आपको पसंद आ रही है तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स हैं जो आप मुझसे ले सकते हैं, और चेंजेस किए हैं कुछ, आई होप आपको पसंद आए हैं। और अगर आप न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना, अगर आपके वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरी बाकी वीडियोस को और प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो इफ़ यू फेसिंग एनी डाउट यू कैन कॉमेंट मी, आई विल श्योर आंसर योर क्वेरी। तो इस तरीके से मैं हर जवाब देती हूँ हर क्वेरीज का। तो आज के लिए इतना ही गाइस, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्ले ग्रुप के बुक का हमें देखनी है, जो आप ऑनलाइन टीचिंग सीरीज पढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअली आज ही प्रिंट होके आई है ये, और आज ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये बुक्स पसंद आई है, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना गाइस, प्लीज़ लाइक करना। लाइक के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे पास इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, पर लाइक जो है वीडियो पे बहुत कम आते हैं, तो ऐसा क्यों है? प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर न्यू है, कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए प्लीज़ गाइज, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो गाइस ये जो देख रहे हैं आप मेरे, ये बुक सेट की चार्जेस हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि चार्जेस अप्लाई फॉर प्ले ग्रुप बुक सेट्स। आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें दिखेगी, बाकी मैं आपको एक बार डिटेल वाइज बता भी रही हूँ। अगर आप मुझसे ये एक सेट लेते हैं तो जो चार्जेस लगेंगे वो 700 होंगे, देन आप 5 सेट्स लेते हैं तो 600 पर सेट पड़ेगा आपको, मीन्स 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आपके इसमें जो कूरियर चार्जेस हैं वो आपको जो लगेंगे अलग से, तो मीन्स एक सेट के 700 है, 5 सेट्स लेंगे तो पर सेट जो है आपको 600 होगा, देन 10 सेट्स लेंगे तो पर सेट आपको 550 पड़ेगा, और अगर 10+ सेट्स लेते हैं, कोई 15, कोई 20, 25 लेता है, तो 500 पर सेट के हिसाब से उनके चार्जेस किए जाएंगे। तो जितने भी आप सेट्स लेंगे, आपको पर सेट्स मैंने आइडिया दे दिया है, प्लस इसमें क्या होता है आपके कुरियर चार्जेस आपके एरिया के अकॉर्डिंग लगते हैं। आप मुझे पिन कोड विद एड्रेस आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी डिटेल थी इसकी कॉस्ट की, तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।